डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, आज आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे सॉल्व क्या हुआ लेसन प्लान, जो कि बीएड वाले स्टूडेंट के लिए है, जो बीएड कर रहे हैं और जो थर्ड सेमेस्टर में है वो उसके लिए ये वीडियो है। और अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये वीडियो है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इसको देख के और यह पूरा सॉल्व क्या लेसन प्लान दिखाएंगे, इसको देख के आप घर बैठे लिख कर अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए ये लेसन प्लान का वीडियो है, अगर आपका लेसन प्लान अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ तो आप यहां से देख के अपना लेसन प्लान को बना सकते हैं। चाहे आपका फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो, इंग्लिश दोनों में आप इसको लिख सकते हैं देख के, और लिखने के बाद आप किसको कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए आज का इस वीडियो में अभी आपको एक एक करके हम स्क्रॉल करते हुए दिखाते जाएंगे पूरा सॉल्व किया लेसन प्लान। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पूरा अंत तक देखें और देखने के बाद इसको लिख लें और लिख के कॉलेज में सबमिट करें। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको आज का ये लेसन प्लान। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे लेसन प्लान 7 है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारा ये लेसन प्लान 7, और देखिए इसका 6 तक लेसन प्लान अपलोड हो चुका है, जिसका पार्ट बाय पार्ट हम अपलोड किए हैं। जैसे 1 और 2 लेसन प्लान एक पार्ट में है, और आपका 2 से 3 और 4 है आपका पार्ट 2 वीडियो में, और यहाँ पर आपका 5 और 6 जो लेसन प्लान है वो 3rd पार्ट वीडियो में है। तो आप वो सब वीडियो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, ताकि आप उसको भी लिख सके देख के, उसके बाद ये 7 लेसन प्लान को देखें। इससे आपको क्या होगा कि अगर आप सीरियल वाइज लिखते जाइएगा तो आपको हेल्प होगा, अच्छा होगा, आपके लिए सुविधा होगा। तो आप उस तरह वीडियो को भी देख ले, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए। इसका नेक्स्ट भी वीडियो आएगा तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए, आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक पे लेसन प्लान पे। तो यहाँ पे देखिए लेसन प्लान 7 है, तो देखिए लेसन प्लान 7 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ आपको देखिए लेसन प्लान में क्या क्या लिखना पड़ता है, और आज का जो ये टॉपिक है इंग्लिश का है, इसमें कौन सा टॉपिक को लेसन प्लान बनाया गया है वो देखिए। तो सबसे पहले ये लेसन प्लान यहाँ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है, यहाँ पर आपका क्लास लिखा है, उसके बाद पीरियड लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, डेट लिखा है। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ता है लेसन प्लान बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको और एक चीज़ मेंशन आप कर सकते हैं, यहाँ पे टीचर का नाम, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप अपना नाम को लिखिएगा। उसके बाद आज का यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश का है, इंग्लिश लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए उसका टॉपिक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट है उसका, यहाँ पे आपका सब यूनिट है, ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर जैसे जैसे सब लिखा है, इसको अभी आपको देख के लिख लेना है, थोड़ा इसको अच्छा से देख लीजिए आप, जैसे लिखा सेम इसी तरह से आपको देख के लिखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में जो आपको लिखा है इसको भी आपको देख के लिख लेना है, जैसे लिखा हुआ है तो प्रीवियस नॉलेज को लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सबसे ऊपर में आपको लिखना है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, जैसे लिखा है देखिए इसी तरह से हम आपको लिखना है। हम तो धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको देखते जाइए और लिखते जाइए। ये एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन के बाद आपका हो जाता है यहाँ पे फिर स्किल, तो स्किल को भी आप लिख दिए, स्किल हो गया। उसके बाद फिर आता है आपका यहाँ पे TLM, तो TLM को आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पे TLM लिखा हुआ है, ये TLM हो गया। TLM के बाद फिर आता है आपका यहाँ पे TLM के बाद देखिए और क्या है, TLM के बाद यहाँ पे आपका था प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं है, यह प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को आप लिख दीजिएगा। प्रिपरेशन लिख के लेने बाद यहाँ पे आपका फिर आता है अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे कर देना है। अनाउंसमेंट करने के बाद फिर आपका यहाँ पे आता है देखिए प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है कि क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे मेथड लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टीचर एक्टिविटीज़, यानी कि क्लासरूम में आप जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब चीज़ यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटीज़, यानी कि स्टूडेंट जिस टाइम पढ़ रहा है उस टाइम में वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपका बात को अच्छा से सुन रहा है कि नहीं, वो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि नहीं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, वो लिख दिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और क्या है, इसको लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, देखिए ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा है, आप आराम से इसको देख के लिख लीजिए, और लिखने के बाद देखिए इसको आप अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आपका आता है ब्लैक बोर्ड,
तो ब्लैक बोर्ड में क्या क्या वर्क कर रहे हैं आप, क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा को, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप जिस टाइम में क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चा को तो उस टाइम ब्लैक बोर्ड का आप क्या यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो ब्लैक बोर्ड को आप इस तरह से दर्शा दीजिएगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा दोनों साइड दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, इसको देख के लिख लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है यहाँ आपका, यहाँ फिर आता है आपका इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन को भी देख के आपको लिख लेना है जैसे लिखा हुआ है, ये इवैल्यूएशन लिख लेना है। इवैल्यूएशन के बाद फिर आता है आपका यहाँ पे लेसन प्लान 7 ख़त्म होता है, फिर लेसन प्लान 8 स्टार्ट होता है यहाँ से आपका। तो देखिए लेसन प्लान 8 में भी आपको वही सब चीज़ लिखना है जैसे आपको वहाँ पे दिखाएं अभी 7 में। तो क्या लिखना है यहाँ पे आपको, वही स्कूल का नाम। तो ये स्कूल का नाम जो है आप अपना इस कॉलेज से पूछ के लिखिएगा, क्योंकि वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि किस स्कूल के लिए आपको पढ़ाना है, किस स्कूल के लिए आपको लेसन प्लान रेडी करना है। और यहाँ पे फिर आपका क्लास लिखना है, क्लास के बाद यहाँ पे आपका पीरियड लिखना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, फिर यहाँ पर डेट किस डेट को आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फिर आप अपना टीचर का नाम अपना नाम लिखिएगा। और इधर फिर देखिए क्या है आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, फिर टॉपिक जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर उसके यूनिट, फिर इसका आपका सब यूनिट। उसके बाद ये देखिए सब यूनिट में जो भी लिखा है इसको आपको आराम से देख देख के लिखते जाना है इस तरह से, जैसे जैसे लिखा है ये लिख लिए। ये लिखने के बाद देखिए फिर यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर फिर आ जाता है आपका प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज का भी आपको देख के यहाँ पे लिख देना है जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लीकेशन, ये सब लिख दिए। उसके बाद फिर नीचे आते हैं देखिए, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा स्किल, तो ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है, तो यहाँ स्किल को भी लिख दिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है आपका जनरल यानी और स्पेसिफिक, ये आता है टीएलएम के अंदर में। तो टीएलएम को लिख दिए आप स्पेसिफिक, जनरल में जैसे जो लिखा है इसको सेम आपको इसी तरह से लिखना है देख के, ये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को भी लिख दिए इस प्रकार से जैसे लिखा है देखिए, आप देखते जाइए इसको लिखते जाइए। और देखिए यहाँ पे फिर क्या है आपका अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट को भी आपको लिख देना है। उसके बाद फिर आता है आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में जैसे 7 में आपको दिखाएं सेम उसी तरह से लिखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, मेथड, टीचर एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट एक्टिविटीज़, सेम वही सब चीज़ यहाँ पर लिखना है। और देखिए यहाँ पर जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर लिखा है, तो आप उसको देख के लिख लीजिए इस तरह से देखिए। ये धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, इसको देख के लिखते जाइए। और इसको लिखने के बाद फिर आपका आता है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड को आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है सेम इसी तरह से आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड। देखिए इस तरह से ये ब्लैक बोर्ड आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से। फिर आता है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को अच्छा से पहले दिखा देता है आपको ब्लैक बोर्ड को थोड़ा थोड़ा करके, देखिए ये ब्लैक बोर्ड लिख लिए देख के देखिए। उसके बाद इसको थोड़ा दोनों साइड दिखा देते हैं आपको अच्छा से, ये देखिए दोनों साइड देख के लिख लीजिए आराम से, ये लिख लिए। उसके बाद फिर आता है आपका देखिए यहाँ पे क्या इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन आपका यहाँ पे हो जाता है, इवैल्यूएशन को लिख लेना है। इवैल्यूएशन के बाद देखिए ये आपका लेसन प्लान जो है आपका 8 ख़त्म होता है, फिर आता है यहाँ पे आपका लेसन प्लान 9। तो चलिए लेसन प्लान 9 को भी आपको दिखा देते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा इसको ज़रूर से देख ले वीडियो को, क्योंकि अगर लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग ज़्यादा वीडियो को देखते नहीं हैं, पार करके चले जाते हैं और कहते हैं बाद में कि सर कैसे लिखना है कैसे क्या करना है। इसीलिए आप ज़रूर से पूरा वीडियो को देखें, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है क्योंकि लेसन प्लान है, ये अच्छा से आपको बताना पड़ता है, नहीं तो ऐसे पार करके चले जाएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ लेसन प्लान 9 आपका आता है, लेसन प्लान 9 में देखिए क्या है, वही सब चीज़ स्कूल का नाम, क्लास, पीरियड, नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेट, ये सब चीज़ लिखना है। उसके बाद इधर राइट साइड में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है वो, यहाँ पे टॉपिक जो है वो, उसके बाद यूनिट, उसके बाद ये इसका सब यूनिट, ये सब लिखना है। और देखिए इसको जो भी लिखा है सब इसी तरह से आपको लिख लेना है, ये देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहें। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका था प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में जैसे लिखा देखिए इसको भी देख के लिखना है। प्रीवियस नॉलेज के बाद देखिए आता है आपका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में वही सब चीज़ लिखना है, पहले क्या था आपका ऑब्जेक्टिव में नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज लिखना है सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे आपको नॉलेज लिखना है, फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लिखना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, और एप्लीकेशन के बाद फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्किल। तो ये सब लिख दिए, इसको लिखने के बाद फिर आपका देखिए ये स्किल यहाँ पे भी लिखा हुआ, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा स्किल को। उसके बाद देखिए यहाँ पे टीएलएम आता है, टीएलएम में जैसे लिखा सेम
आपको इसी तरह से लिखना है। तो TLM को लिख दिए, TLM के बाद फिर आता है आपका ये जनरल स्पेसिफिक हो गया TLM में। उसके बाद आपका था प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को भी लिख देना आपको जैसे लिखा है। उसके बाद अनाउंसमेंट आता है, अनाउंसमेंट आपको लिख देना है, अनाउंसमेंट कर देना है क्लासरूम में। उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में आपको लिख देना है जैसे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव, मेथड, टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ लिखना। धीरे धीरे स्क्रॉल कर देना, आराम से देख देख के लिखते जाइए इसको। ये देखिए इस तरह से आपको देख के लिखना है, ये लिख लिए आप प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद आता है आपका यहाँ पे फिर ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड को भी आपको लिखना है इसी तरह से। देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं, आप आराम से देख के लिखिए इसको। ये देखिए इसको लिख लिए, ये एक साइड है, फिर इसका दूसरा साइड भी दिखा रहे हैं, इधर स्क्रॉल कर दे रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए आप इसको आराम से देख के लिख लीजिए इस तरह से, ये लिख लिए आप ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के बाद फिर आता है आपका यहाँ पे इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन को लिखना है आपको इसी तरह से जैसे लिखा। और देखिए फ्रेंड इसको आपको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार के भी लिख सकते हैं, अन्यथा अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे नीचे देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको घर बैठे लिख सकते हैं और लिख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका लेसन प्लान 9 ख़त्म हो जाता है, फिर आता है लेसन प्लान 10। तो लेसन प्लान 10 अभी आपको नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ऐसे ही लंबा हो गया, और लंबा हो जाएगा तो आप बोरिंग हो जाइएगा, इसीलिए इसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जो पार्ट 6 आएगा। पार्ट 6 में आपको दिखाएंगे इसका, ये पार्ट 5 वीडियो था तो पार्ट 6 में आपको दिखाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी इसका नया वीडियो अपलोड होगा, पार्ट 6 अपलोड होगा, तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उसको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस इसका लेसन प्लान को बना के कॉलेज में सबमिट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लेसन प्लान आपको 9 तक ही दिखाएं। तो देखिए ये जो वीडियो आपका था कैसा लगा आपको, ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा आप जरूर से हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा तो अच्छा बताएं, बुरा लगा तो बुरा लगा बताइए, लेकिन आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और देखिए हमारे साथ जुड़े रहें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि BEd रिलेटेड सारे यहाँ पर आपको चीज़ मिल जाते हैं। और देखिए अगर अभी तक आपका प्रैक्टिकम असाइनमेंट कम्प्लीट नहीं हुआ तो वो भी चीज़ आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वो भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहाँ से देख के इसको बना लीजिए अपना असाइनमेंट प्रैक्टिकम को और अपना कॉलेज में सबमिट कीजिए। तो जरूर से प्लेलिस्ट को भी चेक कर लें। तो चलिए फ्रेंड आज का इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।